अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मंसूर अली खान के प्रोग्राम में अज़हर सदीक, जिनका तलक पीटीआई से है और नून लीग के अता तरड़ साहब के दरमियान काफ़ी तलख कलामी हुई है, तो आइए पहले अज़हर सदीक और अता तरड़ की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो फैक्ट्स अब बाहर आए हैं, तो वो शख्स जो है रियासत मदीना का दावा किस तरह कर सकता है उसको कायम करने के हवाले से, आप नहीं समझते कि इससे एक्चुअली इमरान खान साहब को काफ़ी हद तक बड़ा डेंट लगा है इस इंटरव्यू के बाद? अच्छा, मैं पहले जरा एक छोटी सी बात कर लूं। बहुत शुक्रिया आरमा भाई, मंसूर भाई। चले, अब शादाब खानजादा और खाबर मानका ने इमरान खान की मकबूलियत को तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है, चले छोड़े, अब इलेक्शन तो करा लेना जी, तबाह बर्बाद हो, इलेक्शन तो हो रहे हैं सर। अब ना मैं अभी अब मैं आपके सामने केस रखूंगा, बताऊंगा कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, मैं जबरदस्त एक ट्वीट किया था, मैं आपकी गोश्त गुजार। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप हमें कि इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं आपके सामने भी रखने लगा हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा। गो अहेड, गो अहेड। हम पूछो चमन पे क्या गुजरी, हम गुजर कर खजां से आए हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे हालात का सामना ना करवाए जिसका सामना खाबर मानका को करना पड़े। एक शख्स तलाक के बाद साबका बीवी के किरदार और पाकीजगी की कसम खाने वाला ना जाने किस बर्बरियत का शिकार हुआ कि उसके किरदार पर झूठ का कीचड़ उछालना पड़ा। अल्लाह ताला इस कौम को मजीद पस्ती में गिरने से पना दे और जुल्म करने वालों को हदायत दे। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख और अफसोस है इस बात का कि एक घर की जिंदगी अगर सच है, आपने डेफामेशन, अगर आप जो राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट, आका दो जहां हुजूर नबी अकरम की हदीस है, मुबारक है, आपने बगैर किसी दूसरे फर्द को बिठाए, बगैर किसी दूसरे आदमी को लेके, चले किसी तीसरे घर का कोई और फर्द भी आ सकता था, आप ये इंटरव्यू करते अच्छा नहीं लगा। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और सीधी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ सर्टन प्रिंसिपल सेट कर लें, सोसाइटल वैल्यूज, मेरे मुआशरे की इकदार सेट कर लें। आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, उस बंदे ने बड़े काम किए हैं, रहमतुल आलमीन ट्रस्ट, मेरा गरीबों के लिए क्या किया, हेल्थ कार्ड, यानी ये तो तारीख बता रही है ना, यानी मैं कहता हूँ ये सारा कुछ कर लिया ना, अब क्या रह गया? अच्छा, कोई और इंटरव्यू, अच्छा ले आए वो भी इंटरव्यू। सवाल ये है कि अगर इतनी पजीराई मिलती ना नवाज शरीफ साहब को, तो लाहौर के जलसे में 10% लोकल लोग और बाकी लोग ना होते हैं। जब ना मिला, एमक्यू को लाके झोली में बिठा दिया गया, नहीं तो उठ के बाप के पास चले गए, वहां पर बाप के पास चले गए बलोचिस्तान के अंदर, वहां भी कुछ ना हुआ तो फिर कौन आ गए? अमरीकी उठ के कौन आ गए? बर्तानिया के लोग उठ के आ गए, लेकिन पजीरा फिर नहीं मिल रही। कमाल की बात यह है, एक जलसा सिर्फ क्या, अच्छा जलसे के बाद क्या किया? वो चले गए जनाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो जाए बाहर निकले यार, लोगों में जाकर इलेक्शन लड़े, इलेक्शन का माहौल बनाए। वो शेर अगर अंदर बंद है ना, तो उसके लोगों को जलसा करने दे, लेवल प्ले फील्ड ही नहीं दे रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं? कोई एक जलसा बता दें, आप बताएं, आपने ईमानदारी से बताइएगा, क्या ऐसा ग्राउंड मिल रहा है कि पाकिस्तान वो भाई आप फील्ड तो देना करते रहे आप, मैं ये नहीं कह रहा, आप इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, जो मर्जी करें, लेकिन भाई उसको मैदान में तो उतरने दें। और मैं अब इलेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ, देखिये अब क्या हो गया है, आपको पता है 52 दिन का टाइम है शेड्यूल देने का, 8 फरवरी से, तो आपकी तकरीबन 11 दिसंबर के करीब जो है ना इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की अपील तो उन्होंने मंडे को लगवा ली है, ताकि उससे पहले पहले जो भी है वो बरियत हो जाए और इलेक्शन शेड्यूल अपना वो नाहली वाला मामला खत्म होकर नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर। अब इमरान खान के अगेंस्ट सिर्फ एक नाहली है, वो तोशाखाना की अपील है, तोशाखाना की अपील में नोटिस हो चुका हुआ है अपना नाहली के हवाले से, और वो अपील कुछ नहीं है, और अपील वो हमारी जीती हुई है बड़ा वादे तौर पर जुरिस्डिक्शनल इशू के ऊपर, तो आगे केस कोई नहीं है। केस कौन सा था? ये साइफर का केस था, जिसकी बुनियाद पर बड़ी जल्दी जल्दी ट्रायल चलाकर और नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने से पहले नाहल कराना था। अब कोई ऐसी चीज ऐसी रिकॉर्ड पे नहीं है, और हमारी पूरी कोशिश है कि तोशाखाना का केस मेरिट पे डे टू डे चल के जो है ना वो काम खत्म, तो नाहली खत्म हो जाएगी। तो अब ये जेब में रखिएगा, अब क्या होगा? अपना मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है, इलेक्शन कराने की बुनियाद, डिले करने की बुनियाद रख दी है ना, तो आप भी यहाँ पर मौजूद है, मैं भी यहाँ तक मौजूद हूँ। इमरान खान को जब तक ये किसी केस में सजा देकर आप दोबारा अंदर नहीं रखते, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इलेक्शन नहीं, यानी आपका अगर ये ना हुआ तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, आप ये फरमा रहे हैं? ओ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ इमरान, आप देख लीजिएगा, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। ओके, क्या जब राणा सनाउल्लाह को सजाए मौत की चक्की में बंद किया गया था, उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी या कहा था मुझे दवाई दे दो मगर मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करा लो? ठीक, ये कोई बहाना नहीं है, ये जो तासर दिया जा रहा ना कि ये सब करवाया जा रहा है और पता नहीं क्या प्रेशर है, अल्लाह से डर के कहता हूं कि ये ऐसे नौसरबाज हैं के ठठे, चलो जी कुरान ले आओ बीच में, इसका फेवरेट मशकला है, ये सारी उम्र झूठे कुरान उठाता रहेगा,
ये इसका फेवरेट मसला, अभी कहेगा कुरान पाक ले आओ, मैं कसम खाता हूं मैं वापस आ रहा हूं। ना करो ना, मैं बात करूं, मुझे बात मुकम्मल करने दें, अपनी बात पे बात कीजिएगा, अपनी बारी पे बात कीजिएगा। पहले भी करते रहते हैं, अजहर साहब आप प्लीज अपनी बारी में बात कीजिएगा, पहले उनकी बात कंप्लीट होने दें, देन आई विल कम टू यू। जी तार साहब, देखिए बात यह है कि आप किसी पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता, ये कुरान को हर बात में बीच में ले आते हैं, एक गंदी सियासत के लिए, एक अपनी जाती प्रमोशन के लिए। लास्ट टाइम भी पता नहीं किस बात पे इन्होंने कुरान उठा लिया था, ये वापस तो आए नहीं है कस्में खा के वादे करके। तो मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मजहब को मत लाएं इस चीज़ के अंदर, मगर बात यह है कि कोई किसी को कंपेल नहीं कर सकता। ये तासुर गलत है कि पता नहीं क्या प्रेशर है, तो ये मुस्लिम लीग नून कैसे प्रेशर में सस्टेन कर गई, हमारे लोग क्यों नहीं टूटे, ये बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, अच्छा अब मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन एक चुके उन्होंने मलिक रियाज साहब के हवाले से एक बात की है, मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि शायद अंदाजा नहीं है इस बात का। मलिक रियाज साहब का, चूंकि मैं वकील भी हूँ और मैं कई केसेस उनके देखता रहा हूँ, 460 अरब रुपया किस बात का दिया, एक कौड़ियों के भाव जमीन, यानी जो रॉ लैंड थी जो 5 लाख रुपए एकड़ थी, 1 करोड़ रुपया कनाल पे। अब ये समझने की बातें हैं, और जो वो पैसे जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाला कि जनाब वो पैसे हैं वो मेरे पास, अभी ये आप कहेंगे तो मैं शेयर कर देता हूँ, 22 नवंबर 2019 का नेशनल क्राइम एजेंसी का लेटर है भाई, वो पैसे वो वापस दे रहे हैं, यानी डीफ्रीज कर रहे हैं भाई मलिक रियाज की अपनी अमाउंट। ये कौन से मुल्क की कौम है, मेरा सवाल है कि ये जो पैसा, जो मलिक रियाज साहब क्या कॉन्ट्रैक्टर थे, क्या उन्होंने रिश्वतें ली, क्या उन्होंने, यानी कौन सा पैसा है ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैं नहीं जाना चाहता, चूंकि मलिक रियाज साहब को बंदा यहाँ नहीं बैठा, मैं नहीं, मैं सिर्फ ये क्लियर कर दूं आपको। और दूसरी बात जो है ना, वो ये सिविल लाइबिलिटी है, वो पैसे थे मलिक रियाज के, उनके थे, उन्होंने अपने पैसे पाकिस्तान वापस ले आए, दैट्स ऑल। और उसमें क्या है, और वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है, और अगर क्याम किया तो पूरी उनकी काबीना ने किया है। और ये वैसे भी नैब में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सारा कुछ सामने आ जाएगा। अब आ जाए अगली बातों की तरफ, जो स्पेसिफिक सवाल जो है ना, देखिए मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रख दूं, अपना मंसूर भाई, आपको पता है कि इनकी जब रिमांड होते थे ना, डिटेंशन, तो इनके प्रोडक्शन आर्डर आया करते थे, मैंने चैलेंज किए हुए सारे, किसने कहा है, जो सहूलियत इनको मिलती थी, जो मरियम नवाज को सहूलियत, किसने कहा है, वीआईपी सहूलियत ये लोगों ने एंजॉय की है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखिए, एक केस से पकड़े दूसरे, कोई इस तरह की तारीख बता देना, यानी चौधरी परवेज अली ने क्या काम किया है, अगर करप्शन किया तो करप्शन में रखे, करप्शन में जमानतें हो रही है कभी, एक केस, यानी अभी तक 6 महीनों में आपने कितने केसेज उठाकर देख लिए हैं, यानी ये एक सवाल। और क्या हुआ है, इस पर मैं नहीं कह रहा, हमारी कोर्टों ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, डिटेंशन ऑर्डर आते रहे, यानी इस तरह का रवैया होता रहा है। खुदा रहा, कम से कम इंसान बात करते हुए सच बोले, बात कुरान की नहीं है, सोसाइटल वैल्यू की है, रब को हाजिर नाजर जान के सच बोलना चाहिए, जान देनी है रब को, यानी हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन अजय साहब वो ये भी फरमा रहे हैं कि कोई भी जोर जबरदस्ती के साथ इंटरव्यू नहीं दे सकता, अगर ये इंटरव्यू हो रहे हैं तो अपनी मर्जी से हो रहे हैं। मैं, मेरी बात सुनिएगा, मैं उन बातों में अभी नहीं उलझना चाहता, आई डोंट वॉन्ट, ना मैं चाहता हूँ, ये उन लोगों को सोचना है जो बैठ के ये फैसला साज कर रहे हैं, जिन्होंने बैठ कर ये फैसला कर रहे हैं। मैंने तो बात करनी है पूरी दुनिया के अंदर। ये तो नाजरीन आपने अजहर सदीक और अता तारड़ साहब की बातचीत सुनी, तो अजहर सदीक साहब का कहना था कि इमरान खान जब तक जेल में है ये इलेक्शन करवाने का सोच भी नहीं सकते। अजहर सदीक साहब का कहना था कि इमरान खान को जब तक कोई सज़ा नहीं हो जाती, इनको पता नहीं चल जाता कि उनको कितनी सज़ा हुई है, तब तक इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे, जितनी मर्जी ये डेटें दे लें इलेक्शन की, तो उसको सज़ा हो जाएगी, उसके बाद ही इलेक्शन होगा। अभी उनको कोई पता नहीं है कि वो नाहिल होता है या नहीं होता, उम्र कैद होती है नहीं होती, क्या होता है क्या नहीं होना, जब तक इस चीज़ का फैसला नहीं हो जाता, ये नून लीग वाले क्या कोई भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि शेर पिंजरे में बंद है, शेर को निकाल के देखें इनकी हालत किस तरह की हो जाएगी, अभी भी ये खान साहब से डर रहे हैं। तो ये थे जनाब अजहर सदीक साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।